गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी लाइफ की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास जिसका मैं इतनी बेसब्री से वेट करता हूँ। क्या बात है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, यू ऑल आर वेटिंग फॉर मी। चलिए भाई, आपको ज्यादा वेट नहीं कराते हैं। आपके वेट को समाप्त करते हुए मैं अवेलेबल हूँ क्लास लेकर। हेलो हेलो, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। बोल तो रही हूँ भाई, ये बोल तो पड़ी भाई। बोल रही हूँ मैं तो, बोल पड़ी बेटा। बीरू जे, ए वीरू जे था, बीरू जे नहीं है, वीरू, वीरू, वी वी फॉर वैन, बीरू नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, शुरू करते हैं। प्रहलाद जी भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, विकास भी आ गए हैं, भास्कर भी आ गए हैं, यशवंत राजपूत, बीरू, मेहुल, सब आ गए हैं। बीरू बेटा हो गया, ये कह रहे हैं आई मिस यू मैम। है मतलब पढ़ाई को मिस किया करो ना थोड़ा सा। कल 10:45 पे क्लास लगी थी, आज 10:45 पे आपकी मैथ्स की क्लास थी, ठीक है? कल 10:45 पे आपकी इंग्लिश की क्लास थी, कल फर्स्ट डे था बैच का, इसीलिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आई थिंक मैंने सबको गुड मॉर्निंग भी बोल दिया, बातें भी हो गई, सब हो गया, सबको राम राम नमस्ते सब हो गया है। अब शुरू करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई की बातें, ठीक है? देखो, तुम सब जानते ही हो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा, दैट विल बी व्हाट? एरर डिटेक्शन। क्या रहेगा भाई? एरर डिटेक्शन, ठीक है? एरर डिटेक्शन का मतलब है मैं आपके सामने सेंटेंसेस लिखूंगी, आपको उन सेंटेंसेस में क्या फाइंड आउट करने होंगे? एरर फाइंड आउट करने होंगे कि मैम यहाँ पे गलती है, ये गलती है, ठीक है? ऐसे ऐसे आपको एरर फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है? हाँ, जय माता दी भाई, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? ज्यादा बातें नहीं, हमारी बातें हो चुकी हैं, 5 मिनट बातें कर ली हमने यहाँ से, ठीक है? आप कहाँ से क्लास लेती हो? स्टूडियो से, मुखर्जी नगर, ठीक है? कहाँ से क्लास लेती हो तुम भी ना? ए वीरू जय, मैं ना मुखर्जी नगर से क्लास लेती हूँ। एसएससी ट्यूब का ऑफिस है, वहां पे स्टूडियो है बहुत सारे, ठीक है? वहां से लाइव क्लासेस चलती हैं। आई थिंक सब हो गया है, पूरी तुमने विकिपीडिया जान ली है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगी, आप उन सेंटेंसेस में, ठीक है, आपको पता ही है क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है? फ्रेजल वर्ब मैं जरूर पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है? ऑफ कोर्स आई विल, ठीक है? चलिए भाई, जल्दी से मैं एरर डिटेक्शन के सेंटेंस लिखूंगी, आप उनमें एरर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, आई रेड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर अबाउट अबाउट द इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट एंड डिक्रीज डिक्रीज इन बैंक इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट, ठीक है? काफी बड़ा सेंटेंस है हमारे सामने। सेंटेंस है, आई रेड इन न्यूज़पेपर अबाउट द इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट एंड डिक्रीज इन, डिक्रीज की स्पेलिंग सही लिखी है हमने, कोई दिक्कत नहीं, इन बैंक इंटरेस्ट रेट, ठीक है? जल्दी से मुझे इस सेंटेंस का आंसर बताइए, ठीक है? बाय तो बाय, निकलो जल्दी से, क्यों आए थे बीरू? है ये पूछने आए थे मैं कहां से क्लास लेती हूं?
चलिए जल्दी से मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए, एरर कहाँ है। ठीक है, एडवर्ब की क्लास भी लूंगी बेटा प्रहलाद, ठीक है एडवर्ब की क्लास भी हो जाएगी, डोंट वरी। अभी जो पढ़ा रही हूं उस पे ध्यान दें, अभी जो हमारा फोकस है वो है आरबीआई और एसबीआई का पेपर। ठीक है, आरबीआई का असिस्टेंट का पेपर, एसबीआई का क्लर्क का पेपर, उसका वो हमारा टारगेट है। जल्दी से मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए कहां पे है, बी फास्ट। वेट कर रही हूं मैं आपके कमेंट्स का। प्रियांशु रंजन, आ न्यूज़पेपर होगा। ओके, देखते हैं भाई आपका आंसर सही है नहीं है, देखेंगे। बाकी लोग जल्दी से मुझे आंसर बताइए, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, यू आर वेटिंग फॉर मी एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। द न्यूज पेपर, ऑमिट इन, आई रेड न्यूज पेपर। भास्कर गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो भास्कर बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा गलत जा रहे हो। सेंटेंस सही जो करना है उसे तुम सही नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इनफैक्ट ऑन न्यूज पेपर, क्या बात है, न्यूज पेपर के ना ऊपर पढ़ा था हमने, न्यूज पेपर के ऊपर किसी सरफेस के लिए हम ऑन लगाते हैं। ठीक है शिवराम, जब कोई सरफेस होता है तो हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, द डिक्रीज, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है द डिक्रीज की हमें। रीजन, जब रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है, ठीक है, तो हम रिक्वायरमेंट को शेयर करवा देते हैं। जब रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है तो हम अलग अलग आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, इन अ न्यूज़पेपर विकास, ओके। उत्सव सिंह, कौन सी वाली बैच, जितने भी यहाँ पे टॉपिक करा रही हूं वे सब के सब पेपर में आने वाले हैं, तो आपको बैच की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो, आपको बस पढ़ाई की चिंता करनी है कि हाँ पढ़ाई में क्या हो रहा है, हमारा पढ़ाई की चिंता करनी होती है बस। ठीक है, एरर डिटेक्शन हर पेपर में आता है। आई थिंक आप ये सेंटेंस पढ़ चुके हैं, जिसने जो रिप्लाई देना था आप रिप्लाई भी दे चुके हैं। अब मैं इसकी बात शुरू करती हूं और आपको बताती हूं कि आप गलत कहां पे हैं, आपने कहां गलती की है। एक बच्चों वाला सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस मैं पहली बार नहीं लिख रही हूं, कई बार लिख चुकी हूं। सेंटेंस मैंने लिखा ही इज बॉय, सेंटेंस क्या है बेटा हमारा, जल्दी से बताओ, ही इज बॉय। जल्दी से बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है, जो हमने लिखा ही इज बॉय, ये सेंटेंस सही है गलत है? डेफिनेटली गलत है, ही इज बॉय नहीं होगा, क्या होगा, ही इज अ बॉय। हमें ये पता है कि ये जो बॉय नाम का नाउन है, ये पहली बात तो कैसा नाउन है भाई, सिंगुलर है। दूसरी बात, ये कैसा नाउन है भाई, काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी हम बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते, आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। यहां पे आ जाओ जल्दी से, सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, जल्दी बोलो, न्यूज़पेपर। सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, सेंटेंस में वर्ड क्या लिखा है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पहली बात, कैसा नाउन है भाई जल्दी बोलो, सिंगुलर। दूसरी बात, ये कैसा है, काउंटेबल। आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। या तो यहां पे ए लगाओ या फिर यहां पे क्या लगाओ, द लगाओ, सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, एक मिनट के लिए सिस्टम का प्रॉब्लम है, वो सही हो जाएगा एक सेकंड में। हमारा सेंटेंस क्या होगा जल्दी से बताइए, या तो अ न्यूज़पेपर होगा या फिर क्या होगा, द न्यूज़पेपर होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से, या तो अ न्यूज़पेपर होगा या फिर क्या होगा, द न्यूज़पेपर होगा। न्यूज़पेपर एक सिंगुलर नाउन है, साथ में कैसा है भाई, काउंटेबल है। तो आर्टिकल का लगाना क्या है, जरूरी है। आर्टिकल का लगाना क्या है बेटा, जरूरी है, तभी तो हमने वहां पे ए या दा का यूज किया है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सीनरी है, देखिए सीनरी कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। सीनरी ऑफ कोर्स कैसा है भाई, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये बात मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, आई थिंक समझ में आ गया है। अगर बात क्लियर है तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ, अगर डाउट है तो वो भी बताओ। ठीक है, जल्दी से, आई एम वेटिंग।
चलिए भाई, थोड़ा सा इसमें स्क्रीन में कोई दिक्कत हो रही है वो सही हो जाएगी। ओके, व्हाट अ नाइस सीनरी। तुम्हारा सेंटेंस गलत है प्रियांशु रंजन, सही करो इसे जल्दी से। आपने ये जो ए लगाया है, ये ए किसके लिए लगाया है? सीनरी के लिए। और सीनरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कैसा नाउन होता है भाई, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल आएगा या जाएगा? जाएगा। स्टेटमेंट क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी से। व्हाट अ नाइस सीनरी मैम, इसका जल्दी से बताओ सेंटेंस क्या होगा। ओके, गॉट इट। दिस वन, ओके, विंडो 10 की सीनरी है। क्या बात है, स्नेहा है, बहुत बढ़िया भाई। यहां से सेकंड लास्ट। ओके, क्लियर है, क्लियर है। चलिए जल्दी से आइए भाई, हम बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी अभी आपको एक बात पढ़ाई बेटा कि जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर एक कैसा नाउन है जल्दी से बताओ, सिंगुलर। साथ में कैसा है, काउंटेबल। आर्टिकल का लगाना क्या है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। आर्टिकल का लगाना क्या है बेटा, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। चलो जल्दी से मैं एक और सेंटेंस लिखूंगी, आप उसे सही करेंगे, ठीक है। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो भी सही हो गई है। अब फिर से एक सेंटेंस है हमारे सामने, सेकेंड सेंटेंस। ही वॉन्ट्स टू बिकम बिकम सोल्जर सोल्जर व्हेन ही ग्रोज अप। जल्दी से इस सेंटेंस को सही कीजिए, जल्दी से। ही वॉन्ट्स टू बिकम सोल्जर व्हेन ही ग्रोज अप। ही वॉन्ट्स टू बिकम सोल्जर व्हेन ही ग्रोज अप। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से सेंटेंस क्या बनेगा, करेक्शन इसमें। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया वही कॉन्सेप्ट आपको फिर से लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें कोई इश्यू आ रहा है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। आप जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा। भास्कर कह रहे हैं अ सोल्जर, प्रियांशु कह रहे हैं अ सोल्जर, अंकुर कह रहे हैं अ सोल्जर, शिवराम भी कह रहे हैं अ सोल्जर, गुंजन प्रिया अ बिकम। बेटा वर्ब के पहले आप कैसे लगा सकते हो आर्टिकल, वर्ब के पहले तो आर्टिकल आ ही नहीं सकता, वर्ब के पहले आर्टिकल पॉसिबल नहीं है। गुंजन प्रिया क्या होगा, अ सोल्जर, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है। हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा जल्दी से बताओ, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सोल्जर, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सोल्जर, ठीक है, दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। अपने आप ही हो रहा है। चलिए भाई जल्दी से आ जाइए वापस। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया बेटा, छोटा छोटा सा। अगर कभी भी एक नाउन है सिंगुलर और साथ में वो है काउंटेबल, उसके साथ आर्टिकल का लगाना क्या है, जरूरी है। ओके, गुंजन प्रिया, गलती से लिखा गया था। ओके, कोई नहीं कोई नहीं, लेट हो गए, चलो कोई नहीं। अभी हमने दो सेंटेंस किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों सेंटेंस आप एक बार देख लेना वीडियो को, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके सही आंसर दिया था। हाँ गुंजन प्रिया, ठीक है, ओके। टेक्निकल ग्लिच, क्या बात है भाई, आरपी है, कभी विंडो 10 बता रहे हो, कभी टेक्निकल ग्लिच बता रहे हो, टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हो, गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। मैंने दो सेंटेंस कराए बेटा, ठीक है, और उन दोनों सेंटेंसेस का कंक्लूजन ये है कि वी कैन नॉट यूज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में बातों को आगे बढ़ाते हुए एक सेंटेंस लिख रही हूं, आप उसे फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एज पर अ सेइंग, सेइंग का मतलब यहां पे प्रोवर्ब है, कहावत, ठीक है। एज पर अ सेइंग, अम्ब्रेला अम्ब्रेला इज नो यूज नो यूज अगेंस्ट अगेंस्ट स्टॉर्म।
जल्दी से इस सेंटेंस को मुझे सही करके दिखाइए बिना ज्यादा टाइम गवाए। जल्दी से सेंटेंस सही करके दिखाइए बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। जितने भी बच्चे हैं इस सेंटेंस में मुझे एरर फाइंड आउट करके दिखाइए जल्दी से। फिर से बोल रही हूं, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी पढ़ाया है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। जल्दी से, सेम कॉन्सेप्ट। नहीं, बहुत बढ़िया। स्नेहा, प्रियांशु, अंकुर, भास्कर, विकास, शिवराम इज ऑफ नो यूज। शिवराम आपका आंसर गलत है। विकास, विकास, ये कितनी बार आंसर भेजोगे? आरपी ऑफ नो यूज, आपका भी आंसर गलत है। आरपी, अपना पूरा नाम बताओ। आरपी क्या है? ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज बार बार गलत है आपका। अम्ब्रेला नहीं होगा उत्सव। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में साउंड किसकी है? अ की, ठीक है। अ की साउंड है तो जो आर्टिकल रहेगा वो ए नहीं होगा, क्या होगा? एन होगा, उत्सव, ठीक है। देखो यहाँ पे ना तुम्हें एरर क्या लग रहा होगा ना, अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज। तुम्हें बता दूं, अम्ब्रेला इज नो यूज, ये सेंटेंस टेक्निकली करेक्ट है। इसमें यहाँ पे ऑफ लगाना, ठीक है, जरूरी नहीं है। एरर तब होता है जब किसी चीज की कमी हो, ठीक है। मैंने तुमसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नहीं पूछा है, मैंने आपसे क्या पूछा है बेटा? एरर डिटेक्शन पूछा है। सेंटेंस में क्या बताओ? गलती बताओ, ठीक है। तुम इम्प्रूवमेंट करने पे आ गए हो। अब जल्दी से आ जाओ भाई। ये बैठा छाता, छाता तुम सब यूज करते हो भाई, ठीक है। छतरी, जब बारिश वगैरह आ जाती है तो छतरी यूज करते हैं। छाता कैसा है? एक छाता, दो छाता, तीन छाता, काउंटेबल है। साथ में ये सिंगुलर है। आर्टिकल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ऑफ कोर्स लगाएंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? एज पर अ सेइंग एन अम्ब्रेला इज नो यूज अगेंस्ट अ स्टॉर्म। एज पर अ सेइंग एन अम्ब्रेला इज नो यूज अगेंस्ट स्टॉर्म। सीधी सिंपल सी बात है, एक अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बैठा है तो हम आर्टिकल लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। वे नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। एरर डिटेक्शन है ये जो चल रहा है। जल्दी से इस सेंटेंस को सॉल्व कीजिए। इट इज नो यूज यूजिंग एन अम्ब्रेला अगेंस्ट स्टॉर्म, सेम मीनिंग। हाँ यू कैन से भास्कर, सेम मीनिंग। एक्साइटमेंट में रॉन्ग हो गया ना भाई, ऐसा एक्साइटमेंट मत लेके आया करो जिसमें आंसर गलत हो जाए। उत्सव, ऐसे एक्साइटमेंट का हम क्या करेंगे कि आंसर ही गलत हो जाए। डोंट डू दिस। अब जल्दी से मुझे ये सेंटेंस सही करके दिखाओ। इंग्लिश इज इजिएस्ट दैन हिंदी, और ये सच है वैसे। एक जो इंग्लिश होती है वो हिंदी से इजी है। द इजिएस्ट, द इजिएस्ट का क्या करें? अच्छा, द इजिएस्ट बना दें। इजियर होगा, आरपी कह रहे हैं। गुंजन प्रिया, ए नहीं, वो कॉन्सेप्ट इज डन, दैट कॉन्सेप्ट इज डन। ये कुछ नया है। द इजिएस्ट, सनी, मीना, प्राची इज इजियर, प्रदीप पाटिल इजियर दैन, शिवराम इजियर, भास्कर इजियर, शिवराम इजियर। ओके, ज्यादातर बच्चे सही बोल रहे हैं। जो और बाकी लोग हैं जो कमेंट्स करना चाहते हैं जल्दी से कमेंट करो, ताकि पता चले कि आप सही हो, गलत हो, क्या हो, पता चल जाए। जल्दी से कमेंट करके बताओ। मोर इजिएस्ट, विकास बिल्कुल गलत है। द इंग्लिश, द हिंदू, द हिंदी बिल्कुल गलत है। कभी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, ओके। इजी, ट्विंकू कुमारी गलत है, इजी नहीं होगा। नरसी, द इजिएस्ट गलत है। चलो अभी तुमने मचा लिया जो मचाना था, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना है। मैंने कहा इंग्लिश, इंग्लिश
इज एन इजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। ठीक, इस सेंटेंस में कितनी भाषा की बात हो रही है भाई? एक। कितनी भाषा की बात हो रही है? एक। ध्यान से समझते जाओ, मैंने कहा इंग्लिश इज इजियर इजियर देन हिंदी, इंग्लिश इज इजियर देन हिंदी। पहले सेंटेंस में मुझे ये बताइए कितनी लैंग्वेज की बात हो रही थी बेटा? एक। दूसरे सेंटेंस में आ जाओ, कितनी लैंग्वेज है यहाँ पे? दो, एक इंग्लिश है और एक क्या है? हिंदी। इसका मतलब पहले और दूसरे सेंटेंस में डिफरेंस ये है, पहले सेंटेंस में एक लैंग्वेज है और दूसरे सेंटेंस में कितनी लैंग्वेज है? दो लैंग्वेज है। एक और सेंटेंस लिख रही हूं, ध्यान से पढ़ना जरा। ठीक, इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ ऑल। ठीक, जल्दी से बताओ, आपके तीसरे सेंटेंस में एक भाषा तो है, बट यहां पे देखो सारी भाषाएं हैं या नहीं है? इसका मतलब पहले सेंटेंस में एक है, दूसरे में कितनी भाषाएं हैं भाई? दो हैं, और थर्ड सेंटेंस में दो से क्या है? ज्यादा है। अब यहां पे ध्यान से समझो, हम यूज करते हैं इजी, इजी का भाई कौन है? इजियर, और इजियर का अगला भाई कौन है? इजीएस्ट। अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो ध्यान से सुनो, इजी कौन सी डिग्री है बेटा? पॉजिटिव। इजियर कौन सी है? कंपैरेटिव। इजीएस्ट कौन सी है? सुपरलेटिव। ध्यान से समझना जरा, अगर कभी भी, ठीक है, अभी मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूं, ठीक है, पहले एक बार समझो। अगर कभी भी एक लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, एक ही सेंटेंस में एक ही इंसान की बात हो रही है, एक ही प्राणी की बात हो रही है, एक ही कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, कौन सा डिग्री लगाओ वहां पे? जल्दी बोलो, पॉजिटिव। जब पता चल जाए कि एक नहीं, वहां पे कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, तो कोशिश करो वहां पे कौन सा डिग्री लगा दो भाई? कंपैरेटिव। और अगर दो से ज्यादा चीजें हैं तो वहां पे कौन सी डिग्री लगा दो? जल्दी बोलो, सुपरलेटिव। ठीक है, दोबारा सुनो, एक के लिए पॉजिटिव, दो के लिए कंपैरेटिव, दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव। समझ गए हम? अब आ जाओ अपने सेंटेंस में जो लिखा है, ठीक है, सेंटेंस में आओ जल्दी से। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री, यस यू आर वेरी राइट, सुपरलेटिव है। ठीक है, चलो जल्दी से आओ इस सेंटेंस में हमारे। ये देखो कितनी भाषा है, एक भाषा कौन है? इंग्लिश, और दूसरी भाषा कौन है? हिंदी। कितनी लैंग्वेज बैठी है? दो। अगर दो लैंग्वेज बैठी है तो मैं सुपरलेटिव डिग्री नहीं बुला सकती, हमें कौन सी डिग्री बुलानी पड़ेगी? कंपैरेटिव। सेंटेंस क्या बनेगा? इजियर। क्या बनेगा बेटा? इजियर। जल्दी से बताइए अगर कोई डाउट है तो, ठीक है, ये तीनों सेंटेंस आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, अकेले इंग्लिश की बात हो रही है भाई, ठीक है। दूसरा मैंने बोला इंग्लिश इज इजियर देन हिंदी, ठीक है, कितनी भाषाओं की बात हो रही है? दो। मैंने कहा इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल, यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ बाकी भाषाओं की भी बात हो रही है। एक की बात है पॉजिटिव, दो की बात है कंपैरेटिव, दो से ज्यादा है सुपरलेटिव। ठीक है विवेक राज, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है प्राची, क्या पूछा है हमने? ठीक है, नो यूज करेक्ट होगा या नहीं? सही है वो प्राची गुप्ता, बिल्कुल सही है वो। ठीक है, जो हमने लास्ट सेंटेंस में लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है विवेक राज, थोड़ा सा वेट करो, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? फिर मैं आपको एक और सेंटेंस दूंगी, आपको वो सही करना होगा। ठीक है, तब तक हम जो विवेक राज है इनका रिप्लाई देंगे, जब तक आप उस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। चले भाई, मैं सेंटेंस लिख रही हूं, ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत संस्कृत डैश इज द डैश वन। देखो भाई, द डैश इज द डैश वन। ठीक है, ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन है LATER, पहले ब्लैंक के लिए, ठीक है, दूसरे के लिए ELDER, ठीक है,
सेकंड ऑप्शन लास्ट ओल्डर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन लेटेस्ट ओल्डेस्ट, लास्ट ऑप्शन यहां लिख रही हूं लास्ट ओल्डेस्ट। मुझे इस सेंटेंस का जल्दी से आंसर दे दो, क्या होगा जल्दी से। सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। नरसी आपको भी गुड इवनिंग। देखो आरबी आरपी ने रिप्लाई भी दे दिया विवेक आपके स्टेटमेंट का। अबॉमिनेबल, ठीक है, इसका मतलब होता है भाई अब ना हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। बहुत प्यार मोहब्बत कर लिया उस इंसान से, बट अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभोर का मतलब भी आपका हेट होता है। ए बी जहां आ जाता है ना, वहां पे नेगेटिव मीनिंग आता है ज्यादातर। तो अबॉमिनेबल का मतलब होता है अब नहीं हो पाएगा इस इंसान से प्यार मोहब्बत, हम उससे अब क्या करते हैं, नफरत करते हैं। अबॉमिनेबल, ठीक है, हेट जिससे किया जाए, जिस इंसान से नफरत की जाए, जिसे बिल्कुल भी पसंद ना किया जाए। जेम्स बॉन्ड आ गए हैं हमारे वीडियो में, जेम्स बॉन्ड, क्या बात है। मैग्नेट, तुम्हारी मैग्नेट की स्पेलिंग गलत है, केडी मैग्नेट। ओके चलो एक बार आंसर देखते हैं। नरसी मैंने तुम्हारे गुड इवनिंग का रिप्लाई दे दिया। प्राची कह रही है ए, अंकुर डी, प्रियांशु डी, भास्कर लास्ट ऑल्डेस्ट। ओके मतलब आप डी कह रहे हो, ओके डी कह रहे हैं। केडी मैग्नेट की स्पेलिंग सही करो, MAGNET, सी विकास, डी विवेक राज। ओके कह रहे हैं प्रदीप पाटिल ए, गुंजन सी गलत जा रही हो, नरसी डी, जेम्स बॉन्ड ने क्वेश्चन मार्क भेजा क्वेश्चन मार्क का मैं क्या करूं, विवेक राज क्या कह रहे हो, पूरा करो स्टेटमेंट। ओके प्राची ने फिर से आंसर चेंज किया है, डी बोला है। विकास कह रहे हैं डी है 100%, भास्कर कह रहे हैं डी। ओके ओके ठीक है, ओके यू आर वेटिंग टू लर्न फ्रॉम मी, ओके दैट्स वेरी गुड। आई थिंक योर नेम इज लाली कीर्ति, ओके यू हैव अ वेरी नाइस नेम लाली कीर्ति। यू हैव टू नेम्स इंस्टेड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम, कीर्ति एंड लाली। समझ नहीं आ रहा, बादाम वगैरह खाया करो थोड़े से। लेटर एल्डर मेहुल सोलंकी, सिर्फ ये देखो सेंटेंस में कितनी भाषाएं हैं, एक दो या दो से ज्यादा। आंसर डन। हमें फालतू के किसी चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, किसी चक्कर में नहीं पढ़ना हमें। ओके मंगत है, मंगत आपने ना मैग्नेट रखा हुआ था मुझे लगा। ओके मंगत है, मंगत, ओके फाइन। मुझे लगा कुछ होते ना, देखो जैसे अभी उस बच्चे ने जेम्स बॉन्ड लिखा हुआ था अपना नाम, तो मुझे लगा ऐसे ही तुमने कुछ अलग लिखा हुआ है अपना नाम। चलिए शिवराम भी सही जवाब दे रहे हैं, ओके लाली कीर्ति भी सही जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे हैं। जो गलत दे रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा देखें, मैं करूंगी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इस बीच में आपके कमेंट्स नहीं आने चाहिए, मैं नहीं पढ़ूंगी। एक बार आप पूरा ध्यान किस पे भाई, जो मैं पढ़ा रही हूं उस पे ध्यान दो। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कितनी लैंग्वेज है भाई जल्दी बोलो, तीन। अगर तीन लैंग्वेज हैं, कंपैरेटिव डिग्री गई गई कंपैरेटिव। फर्स्ट ऑप्शन में अगर ध्यान से देखो तो कंपैरेटिव है दोनों, ER ER, गुड बेटर बेस्ट, इजी इजियर इजिएस्ट, टफ टफर टफेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, जो किस में खत्म होती है, ER में। यहां पे देखो ये भी क्या बैठी है, कंपैरेटिव, ये भी गया। अब या तो सी होगा या डी होगा। मुझे ये बताओ क्या इस सेंटेंस में मैं कहना चाह रही हूं द लेटेस्ट इज द ओल्डेस्ट वन, क्या मैं ये कहना चाह रही हूं, या फिर मैं कहना चाह रही हूं पहली दूसरी आखिरी, ठीक। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये क्या है जल्दी बोलो, लास्ट। और जो लास्ट लैंग्वेज है वो सबसे क्या है, पुरानी है। हमारा सही आंसर क्या होगा जल्दी बोलो, लास्ट एंड ओल्डेस्ट,
ठीक, सही आंसर क्या होगा बेटा? लास्ट एंड ओल्डेस्ट हमारा सही आंसर होगा। यहां लेटेस्ट क्यों नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, ठीक है? लेटेस्ट का मतलब होता है रीसेंट वन। सेंटेंस में रीसेंट का मुझे मीनिंग ही नहीं चाहिए। जब मीनिंग नहीं चाहिए तो मैं क्यों लगाऊं लेटेस्ट? क्यों लगाएंगे लेटेस्ट? हमारा सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो जल्दी से बताओ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जल्दी से, फिर मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, आप उसे सही करेंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। हाँ बेटा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ मुखर्जी नगर में, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ स्टूडियो में। चलिए, तारीफ हो गई मेरी, थैंक यू फॉर द तारीफ। अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगी, आप उसे सही करेंगे जल्दी से। ऑफ द गंगेज एंड द यमुना द डैश इज डैश, ठीक, द डैश इज डैश। मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसके मैं आपको ऑप्शन दूंगी यहां पे, ठीक है? ऑप्शंस लिख रही हूं मैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट मोस्ट पॉल्यूटेड, ठीक है, सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड। आसान सेंटेंस है, पहले ही बता रही हूं। फर्स्ट मोर पॉल्यूटेड, ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन है डी, यहां लिख रही हूं, सेकंड। यहां पे ना द और लिखूंगी मैं, चलो कोई बात नहीं, मोर पॉल्यूटेड, ठीक है। ये है आपका सेंटेंस, ठीक है? इस सेंटेंस के लिए आपको दिया जा रहा है 1 मिनट का समय, ठीक है? जल्दी से मुझे इस सेंटेंस को आंसर बता दो, जल्दी से। पिछले सेंटेंस से आउट ऑफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आउट ऑफ की क्या दिक्कत है उसमें? चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताइए। वोकैब की क्लास धीरे धीरे होगी, ठीक है? पहले एक बार अभी हम थोड़ा सा एरर डिटेक्शन पे ध्यान देते हैं। डी, ओके, बहुत बढ़िया। विवेक, वोकैब की क्लास बहुत जल्द होगी। ओके, फर्स्ट कह रहे हैं हम मोर पोल्यूटेड। भास्कर, दिवाकर, चौधरी, मुझे ये बता दो, गंगा और यमुना में से कौन ज्यादा पोल्यूटेड है? गंगा पोल्यूटेड है, यमुना पोल्यूटेड है? न्यूज़पेपर में भी हजारों बार आता है, गंगा का जो पानी है वो साफ है कंपैरेटिवली, ठीक है, किसके? यमुना के। मैम डी आंसर लग रहा है। प्रियांशु रंजन ए, प्राची गुप्ता ए, आरपी डी, अंकुर सी, भास्कर कह रहे हैं फर्स्ट सी, ओके, आप सी कह रहे हैं, प्रदीप पाटिल डी, ओके, एन ए वी कह रहे हैं बी, ओके, दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग, सी डी हो सकता है ना? दो आंसर नहीं है, एक ही आंसर है, पहले ही बता दूं, एक ही आंसर है, ठीक है? ये चार पांच आंसर नहीं है जो तुम सोच रहे हो, एक ही आंसर है, वही करेक्ट होगा। चलो अभी शुरू करते हैं कहानी। अब मैं तुम्हारे कोई कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी, अब ध्यान होना चाहिए आपका बोर्ड पे। जो प्रदीप पाटिल हैं वो सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है प्रदीप पाटिल। चलो एक बार ध्यान से देखो, काफी सारे बच्चों का आंसर सही है, नाम ना लिया हो तो बुरा ना मान जाना। अब इस सेंटेंस को निपटाते हैं जल्दी से। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली ए और बी दोनों गलत सेंटेंस हैं, ग्रामेटिकली, ठीक है बेटा? अब मुझे जल्दी से इनका एक्सप्लेनेशन करना है, तो आप एक बार थोड़ा सा धीरज धरें, शांति रखें,
ओके, यू आर नवदीप. ओके, पूरा नाम लिखो ना, फिर मैं क्या पढ़ूंगी? नव पढ़ूंगी. चलो मैं नवदीप पढ़ लूंगी, मुझे याद रह जाएगा, मेरी याददाश्त अच्छी है. चलिए अब इस सेंटेंस में हम सॉल्व करते हैं. बंटू बी, गुंजन डी, विवेक राज डी. मुझे 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में, ठीक है? अब यहां पे ध्यान, कितनी यहां पे नदियां हैं भाई, जल्दी बोलो. दो. अगर दो नदियां हैं, सुपरलेटिव डिग्री गई, ठीक, सुपरलेटिव डिग्री गई, पहला ऑप्शन भी गया, दूसरा भी गया. ए और बी कहने वालों को शायद जवाब मिल गया होगा. अगर दो यहां पे नदियां हैं तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती भाई, ठीक है? इजीएस्ट, टफेस्ट, मोस्ट, ये सब कैसी हैं? सुपरलेटिव है, नहीं आ सकता, ठीक है? अब आ जाओ हमारे ऑप्शन सी में, और ऑप्शन किस में? डी में. ऑप्शन सी और डी में एक ही वर्ड का अंतर है, और वो क्या है भाई? फर्स्ट और सेकंड. अब ध्यान देना, ये है गंगा और ये है क्या है भाई? यमुना. मुझे ये बताओ, आए दिन तुम न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, गंगा और यमुना में से कौन ज्यादा पॉल्यूटेड है? गंगा ज्यादा पॉल्यूटेड है, यमुना ज्यादा पॉल्यूटेड है? ऑफ कोर्स, कौन सी ज्यादा पॉल्यूटेड है? यमुना. इसका मतलब गंगा फर्स्ट है और यमुना कैसी है भाई? सेकंड है. आंसर फर्स्ट वाला नहीं होगा, आंसर सेकंड वाला होगा. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर हमने इस सेंटेंस को घुमा दिया होता, ऑफ द यमुना एंड द गंगा, तो आंसर क्या होता? सी हो जाता, ठीक है? अगर हमने इस सेंटेंस को घुमाया होता, ऑफ द यमुना एंड द गंगा, तो आंसर क्या होता? हमारा सी होता, ठीक है? अब सही आ रहा है सबका आंसर, है? अब क्यों आ रहा है सही? मतलब बताने के बाद सही करते हो, पहले से सही किया करो ना. दिस इज नॉट डन ना, पहले से सही करके रखा करो भाई, पहले से सही करके रखो बेटा, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. आई थिंक इस सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो जल्दी से बताओ. कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है, आ जाता है, ठीक है? कुछ केसेस होते हैं, ये वही केस है, ये वही केस है, ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आ जाता है. मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, आप फिर से उसे सॉल्व करेंगे. आपको पता ही नहीं था यमुना ज्यादा पॉल्यूटेड है, इसका मतलब ये है कि आप न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते. आरपी, ओके, योर राहुल. ओके, यमुना ज्यादा पॉल्यूटेड है भाई, न्यूज़पेपर पढ़ा करो. यमुना पे आए दिन आर्टिकल आता रहता है, यमुना इज वेरी पॉल्यूटेड. यमुना का पानी बिल्कुल भी लायक नहीं है, पीना खाना कुछ भी यमुना के पानी से इज नॉट पॉसिबल. और गंगा का जो पानी है उसको तो हम पूजा करते हैं, तो यमुना इज मोर पॉल्यूटेड, यू शुड नो इट. चले भाई फिर से मैं एक सेंटेंस लिखूंगी. अच्छा, किसका सही था? उत्सव. अच्छा, सही था तुम्हारा. चलो अब ये सेंटेंस सही करके दिखाना मुझे. ऑप्शन लेटर लास्ट लेटेस्ट LATER एंड ई है नन ऑफ दीस. बैंकिंग में कितने ऑप्शन होते हैं? पांच ऑप्शन. चलो जल्दी से मुझे सेंटेंस का आंसर बता दो, क्या होगा? भास्कर, न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, बस मोदी जी का न्यूज़ पढ़ता हूं. क्यों भाई? मोदी जी आपके रिलेटिव हैं, डोंट डू दिस. न्यूज़ सारी पढ़ा करो ना. चलो जल्दी से मुझे इस सेंटेंस का आंसर बताइए. आरपी, मुझे आपका नाम पता चल गया. NAV का भी नाम पता चल गया. नवदीप, आप है राहुल. चलो धीरे धीरे मुझे सबके नाम याद हो जाएंगे. जल्दी से मुझे इस सेंटेंस का आंसर बताइए. सी डी ए. हाँ, मजा आएगा. अब मजा आएगा. प्रदीप पाटिल, LATER. विवेक राज, काहे के लिए नो मैम कह रहे हो?
काहे के लिए नो मैम कह रहे हो, मुझे बस ये बता दो तुम कि मैम इस चीज के लिए नो मैम कह रहे हैं। लेटर भास्कर, ओके स्नेहा लास्ट, हाय लक्ष्य, हेलो, बी होगा, ओके राहुल कह रहे हैं बी होगा, बहुत सारे लोगों का गलत है आंसर, बहुत सारे लोगों का, पहले ही बता दूं, कुछ लोगों का सही है, जैसे हमारे प्रदीप पाटिल हैं, केडी मंगत हैं, हमारी प्राची गुप्ता हैं, भास्कर हैं, इनके जवाब सही हैं, बाकी इन माय ओपिनियन ई इज राइट आंसर, उत्सव सिंह, योर ओपिनियन इज वेरी रॉन्ग, योर ओपिनियन इज वेरी रॉन्ग बेटा, उत्सव सिंह, नवदीप कह रहे हैं डी डी, ओके ट्विंकू कुमारी ई, चलो तुमने भाई जो मचाना था मचा लिया, अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, और उस बीच में आपके कोई कमेंट नहीं आएंगे, चलिए जल्दी से अब हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, ध्यान या बोर्ड पे, मान लो अभी कोई मूवी आई है तानाजी करके, छपाक करके, ठीक है, कई सारी मूवी आई हैं, एक मूवी के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, दो ही हाफ होते हैं, अगर दो ही हाफ होते हैं क्या सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है? नहीं हो सकती, जो कह रहे थे बी और सी उनको जवाब मिल गया होगा, अगर एक मूवी के दो हाफ हैं तो ये कौन सा हाफ है? पहला, ये कौन सा हाफ है? दूसरा, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, ना लास्ट आएगा ना लेटेस्ट आएगा, अब बचा हमारा कौन भाई? लेटर और लेटर, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझो ध्यान से, मान लो मेरे पास किसी का फोन आया, ठीक है, कोई था मुझे फोन कर रहा था, मैंने उसे कहा भाई मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूंगी, अभी मैं थोड़ा सा क्या हूं, बिजी हूं, मैंने उसे इंग्लिश में क्या कहा होगा जल्दी से बताओ, कॉल ऑन मी लेटर, क्या कहा होगा मैंने, कॉल ऑन मी लेटर, ये जो लेटर है ये किसको डिनोट करता है, जल्दी बोलो, टाइम को, किसको डिनोट करता है बेटा, टाइम को, अब मैंने कहा दो मूवी है, एक छपाक है दूसरी क्या है, तानाजी है, मैं दूसरी को देखने जाऊंगी, मैं किसको देखने जाऊंगी, दूसरी को, ठीक है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ठीक है, ये है फॉर्मर, ये है क्या भाई, लेटर, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, अगर कभी भी दो चीजें बैठी हैं, ठीक है, पहली दूसरी, या तो क्या कह दो, फर्स्ट या सेकंड, या फिर इंग्लिश में एक और वर्ड है, पहला क्या, पहले के लिए क्या है फॉर्मर, और दूसरे के लिए क्या है LATER, बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, मैंने मूवी का कौन सा हाफ नहीं देखा होगा भाई, या तो पहला या फिर जल्दी बोलो दूसरा, पहले का कोई ऑप्शन है नहीं, दूसरे का ऑप्शन बैठा है, आंसर क्या हो जाएगा, LATER, जिसको नहीं पता मीनिंग समझ लो, LATER का मीनिंग क्या होता है भाई, सेकंड दूसरा, सेकंड दूसरा, ठीक है, जल्दी से मुझे इस सेंटेंस का आंसर ये बताइए कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं हुई है इसलिए मैम, ओके 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 ओके, फॉर्मर लेटर, बहुत बढ़िया भाई, फॉर्मर का मतलब पहला, ठीक है, और लेटर का मतलब होता है, इसे लेटर बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, लेटर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, और इस लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, ये समय के लिए आता है, सेकेंड हाफ, यस वेरी करेक्ट, अगर सेकंड हाफ लगाना है तो हमारा आंसर क्या होगा, LATER, यहां पे चाहो तो क्या लगाओ भाई, सेकंड हाफ, या फिर क्या लगाओ, LATER, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे जल्दी से बताओ, हम रुकें, अदरवाइज हम अपना काम करते रहें और आगे बढ़ें, नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी मैं, हाँ बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बस आप जुड़े रहो, ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा बेटा, ए विकास ये तुम क्या, ये थर्मोमीटर है तुम्हारे मुंह में, एक बार और एक्सप्लेन कर दें, देखो अच्छा चलो एक और सेंटेंस उठाते हैं, ठीक है, मैं सेंटेंस लिखूंगी,
ए ऑप्शन है, लास्ट, बी लेटेस्ट, सी LATER, डी लेट, ई लेटर। जल्दी से आंसर बताओ मुझे, शायद अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओके, अब आपको समझ में आया। ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। ओके फाइन फाइन, जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी। आपके सामने एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें आंसर चाहिए, आंसर बता दो जल्दी से। ओके, प्रियांशु रंजन ए, अंकुर जी सी। ओके, लेटर पजल। ओके, मुझे सोचना पड़ गया तुम्हारे आंसर पे। प्रदीप पाटिल, लास्ट लास्ट लेटेस्ट, हे राम, लास्ट लास्ट। बहुत बढ़िया भाई। लास्ट, नवदीप कह रहे हैं लास्ट, ट्विंकू लास्ट, राहुल लास्ट, प्राची लास्ट लास्ट। चलो भाई, मेजोरिटी जीतती है और सही आंसर है हमारा क्या, लास्ट। ठीक है, अब समझो ध्यान से, ये पजल है बहुत सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारी पजल है। इनमें से या तो मेरे से पहली नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, या फिर कौन सी नहीं हुई, लास्ट नहीं हुई। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा करेक्ट आंसर लेके, जल्दी बताओ। लास्ट सेंटेंस क्या बनेगा, जल्दी बताओ। ही कुड नॉट सॉल्व द लास्ट पजल ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शायद बात आपके पल्ले पड़ रही है, मैं और सेंटेंस लिखूंगी यहां पे। डैश डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल। देखो ना, अभी तुम घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हो, यही सेंटेंस कह रहा है। ठीक है, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसने हमारी जिंदगी को बहुत ही क्या बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है। ऑप्शन लास्ट, LATER, लेटेस्ट, LATER, एंड ई है लेट। जल्दी से सेंटेंस का मुझे आंसर दीजिए बिना ज्यादा समय गवाए, जल्दी से आंसर। आ जाना बच्चे, लाइव नहीं आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज एबसेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में आए ही नहीं है आज, छुट्टी मना रहे हैं सैटरडे वाली। ट्विंकू कुमारी, मोर कहाँ है यहाँ पे? मोर कंफर्टेबल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आंसर पढ़ना शुरू करती हूँ। प्रदीप पाटिल लेटेस्ट, प्रियांशु रंजन लेटेस्ट, प्राची लेटेस्ट, प्रदीप लेटेस्ट, भास्कर लेटेस्ट, भेड़ चाल शुरू हो गई, ट्विंकू लेटेस्ट लेटेस्ट, केडी लेटेस्ट, केडी मंगत लेटेस्ट, स्नेहा लेटेस्ट, नवदीप सी, सी क्या है, लेटेस्ट। ओके चलो भाई, फिर से हमारी मेजोरिटी विजयी घोषित की जाती है, और जो हमारा सही आंसर है वो आंसर क्या है, जल्दी बोलो, लेटेस्ट। हमारा सही आंसर क्या है भाई, लेटेस्ट। ठीक है, मुझे ये बताओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कौन सी डेवलपमेंट, जल्दी बताओ भाई, द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीमा चौधरी, आपका आंसर गलत है। ठीक
ठीक है नरसी, तुम्हारा आंसर सही है। रिसेंट डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया प्रदीप पाटिल, यस द रिसेंट डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी हो रही है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो अभी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उसके लिए जो अभी डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए हमने ये यूज किया। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा बने रहें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसे क्या करें, सही करें। ठीक है प्रदीप पाटिल, स्पेलिंग गलत हो गई आपकी, उसे सही कर लो एक बार। नेक्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, सही करना इसे। ठीक है बेटा, सेंटेंस ये रहा। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखूंगी मैं और ऑप्शन मैं कॉमन बनाऊंगी दोनों के। ये हैं दो सेंटेंस। ठीक है, अब मैं इसके ऑप्शन बनाऊंगी, अलग कलर से बनाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, छोटे छोटा लिखूंगी बिकॉज बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं है। पहला ऑप्शन लेट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेटर, तीसरा ऑप्शन लेटेस्ट, फोर्थ ऑप्शन LATER, लास्ट ऑप्शन लास्ट। जल्दी से आंसर बताइए भाई, हम भी आज सोचे थे कि आज क्लास नहीं है, ट्यूसडे को होगा लगा हमें, क्यों लगा, बट ऑन किए तो नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो जल्दी से आंसर, दोनों में लेटर, ओके लेटर लेटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से मुझे आंसर दो, आंसर आ चुका है हमारे सामने, ट्विंकू का, प्रियांशु का, भास्कर का, प्रदीप का, प्राची, प्राची ने आंसर अच्छा भगा दिया, बाद में लिखा है। ठीक है, अंकुर, प्राची, प्रदीप, विकास, एक तुम्हारे सींग उग गए विकास, तुम ऐसे ऐसे ये स्माइली और ये इमोजीज भेजते हो ना कभी, वो मुंह में थर्मोमीटर लेके वाला एक वाला तो, और अभी तुमने सींग लगा रखे हैं। सीमा चौधरी ए, कैसे प्रूव करके दिखाओ कैसे, आई एम वेरी बिजी कॉल ऑन मी लेट, लेट का मतलब देर से कॉल करना है। और ये देखो ना आप यहां पे क्यों नहीं ध्यान से देख रहे हो, ये कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के साथ अगर लिखी जाएगी तो दैट शुड बी कंपैरेटिव ओनली ना, उसे या तो अभी रियलाइज होगा या फिर थोड़ा देर में रियलाइज होगा। यस, ये स्टेटमेंट है, कॉल ऑन मी लेटर, सूनर और लेटर, सूनर की स्पेलिंग सही करो विनीत कुमार, बाकी सही है। लेटर लेटर लेटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहा है। अब मैं भी इस बात पे स्टैंप लगा देती हूँ कि आप सबका आंसर क्या है, सही है, एक दो बच्चों का गलत है, वो देखें एक बार। ठीक है उत्सव, तुम्हारा आंसर गलत है, देखो इसे, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, मैं भाई थोड़ा भी बिजी हूँ, ठीक है मुझे बाद में कॉल करना, इसका मतलब ये है कॉल ऑन मी लेटर, ये लेटर आता है किसके लिए, समय के लिए, दो में से दूसरा, दैट इज कौन, LATER, यहां दो में से दूसरा नहीं है। आगे बढ़ो जल्दी से, ही विल रियलाइज इट, ठीक है उसे अपनी गलती का एहसास होगा भाई, या तो जल्दी या थोड़ा देर में। एक बात याद रखना, ये जो और है ना, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम चीजों को कनेक्ट करता है, अगर इधर कंपैरेटिव है तो इधर भी कौन आएगा, कंपैरेटिव, आंसर शुड बी कौन हमारा होना चाहिए, लेटर, LATER, दोनों सेंटेंसेस का आंसर होगा लेटर। ठीक है, LATER नहीं होगा, नहीं होगा। विनीत कुमार लेटर एडजेक्टिव है, विनीत कुमार बेटा लेटर एडजेक्टिव है,
अगर किसी को अभी भी समस्या है तो बताओ भाई, अगर अभी भी किसी को समस्या आ रही है तो फिर मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, आपको उसे सही करना होगा। लेटर, लेटर, ओके फाइन। चलिए भाई मैं फिर से एक सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक है। अब ये जो लेटर वेटर है ये बहुत हो गया है, ठीक है। आई थिंक इसकी अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। मैं मीनिंग लिख देती हूँ। चलो देखो होता क्या है ना, हमारे पास लेट वर्ड है। लेट की दो कंपैरेटर डिग्री है, पहली है लेटर, दूसरी क्या है, एल ए डबल टी ई आर। इसके दो सुपरलेटिव हैं, लेटेस्ट और एक क्या है, लास्ट, ठीक है। पांचों का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो मीनिंग क्या है एक बार देखो ध्यान से, बता देती हूँ। लेट का मतलब देर से, ठीक है, हम सब जानते हैं। लेटर का मतलब होता है समय के लिए, ठीक है, दो जब दो सिचुएशन हो। एल ए डबल टी ई आर का मतलब होता है दो में से दूसरा, दैट इज सेकेंड आउट ऑफ टू, सेकेंड आउट ऑफ टू। लेटेस्ट का मतलब होता है रीसेंट, जो अभी अभी हुई है। और लास्ट का मतलब आप जानते ही हो, आखिरी। लास्ट का मतलब क्या होता है भाई, आखिरी, ठीक है। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया है तो वो मुझे बताए, मैं थोड़ा सा और रुकूं, ठीक है, नहीं तो मैं आगे चलूं। बताओ जल्दी से, रुकना है, चलना है, दौड़ना है, क्या करना है बता दो जल्दी से। नाउ यू मेड वेरी क्लियर, थैंक्स। ओके प्रियांशु, थैंक यू बने रहने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत हो गया है लेट, लेटर का शापा, बहुत हमने इसको समझ लिया अच्छे से। अगर आप भी किसी को बात समझ नहीं आ रही है तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए और फिर मैं बातों को आगे बढ़ाऊंगी और कुछ नया लेके आऊंगी। इस लेट लेट से हो गया हमारा, कुछ और नया एरर डिटेक्शन लाएंगे। ओके नेक्स्ट, चलिए चलते हैं, कंटिन्यू। सेंटेंस लिख रही हूँ, आप इसे सही करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव सुपरलेटिव मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो अब थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। चलो भाई, नो मैन कैन रन फास्टर दैन दैन उसैन बोल्ट, ठीक है। जानते होंगे आप उसैन बोल्ट को, वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर यू कैन से, उसैन बोल्ट, ठीक है। फास्टेस्ट ही है, वन ऑफ द क्या है, फास्टेस्ट रनर है। नेक्स्ट, नो मैन कैन रन फास्टर देन टाइगर, जानते ही होंगे। अगर पीछे पड़ गया तो इसका मतलब अब भगवान के पास जाना क्या है, तय है, ठीक है। ओके, मेरे होते क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तुमने घोड़े का इमोजी भेज दिया है भाई, बहुत बढ़िया। लेट्स प्रोसीड, कंटिन्यू। ओके ओके, चलो जल्दी से ये सेंटेंस है, मुझे एरर बताओ, दो सेंटेंस है, सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ये तुमने सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो नहीं किया भाई, क्या ही कर लूंगी मैं तुम्हारा, ऑनलाइन बैठे, ऑनलाइन में क्या ही कर लूंगी, क्लास में होते तो कुछ सोचती भी। ओके, वी आई किया सपोर्टिंग लाइक रेड टिपिज्म, विनीत कुमार वो अच्छा बच्चा है बस, ठीक है। अच्छा बच्चा है वो, हर चीज में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। एंड रेड टेपिज्म का मतलब होता है ऑफिशियल डिले। यहाँ पे डिले काहे का है, नो एरर। ओके, संजय कुमार साहू, ये सही आंसर आया। भास्कर दे, सही आंसर आया। विनीत कुमार आंसर दो, ठीक है, आंसर दो मुझे। रेड टेपिज्म का मतलब बताओ और इन दोनों सेंटेंस में एरर बताओ मुझे जल्दी से। नर्सिंग यहाँ पे फोर्थ फ्लोर नहीं है ना, ये सारे के सारे ऑनलाइन बैठे हैं यूट्यूब पे, नहीं तो इनको पता चलता है मैम कितनी खूंखार है। मैं अगर आपके आसपास होता तो अब तक पिट चुका होता। हे उत्सव, तुम्हें अपने भी असलियत पता है और मेरा भी पता है, बहुत बढ़िया भाई।
सब ठीक ही लग रहा है। चलो तुम्हारी हेल्प करती हूं मैं, ठीक है? एक सेंटेंस में एरर है और एक में एरर नहीं है, ठीक है? तुम्हें बता दिया मैंने, हेल्प कर दी मैंने तुम्हारी थोड़ी सी। अब उस हेल्प को कैसे यूज करना है, कैसे उसे यूटिलाइज करना है, वो आप कीजिए। रेड टेपिज्म, संजय कुमार साहू, बहुत बढ़िया। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी और उसके चलते क्या हो जाना, डिले हो जाना, ठीक है? फास्ट आएगा नहीं, कंपैरिजन भी तो चल रहा है। विकास सही है, फास्टर, फास्टर में कोई एरर नहीं है। अब वो जो था ना, वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव, उससे बाहर निकलो, बहुत हो गया वो। देखो ये भेड़ चाल शुरू, नहीं, नो एरर दोनों में। एक में एरर है, एक में एरर नहीं है, मैंने हेल्प कर दी है। अब इस हेल्प को कैसे यूज करना है, कहाँ करना है, वो आप सोचो थोड़ा सा। मैंने हिंट दे दिया है बेटा, ठीक है? सेकंड सेंटेंस में नो एरर, नवदीप शायद आप सही हो। विनीत कुमार, MAN सिंगुलर है, MEN प्लूरल है। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये, पता नहीं क्या करके मानेंगे ये। फर्स्ट में एरर। चलिए भाई शुरू करते हैं। कुछ बच्चों ने शुरू में सही जवाब दिया था, उसके बाद तुम बिल्कुल ट्रैक से भटक गए हो और भटक के तुमने बहुत गलत आंसर देने शुरू कर दिए। अब ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से समझना, ठीक है? अब मान लो ये कोई क्लास है, ठीक है? इसमें लड़के भी हैं और इसमें क्या है, लड़कियां भी हैं। मुझे कंपैरिजन करना है। बॉयज आर, ठीक, मोर इन नंबर देन गर्ल्स। बॉयज का कंपैरिजन हो रहा है किससे भाई, गर्ल्स से। बात समझ में आ गई? बॉयज अलग चीज है और गर्ल्स क्या है, अलग चीज है। आप समझना ध्यान से, मैंने कहा जो राम है ना, राम, वो ठीक है दूसरे लड़कों से अच्छा है। राम इज बेटर देन एनी बॉय, राम इज बेटर देन एनी बॉय। समझना इस बात को, ठीक है? मुझे ये बताओ, ये राम एक लड़का है या नहीं है? लड़का है। और इसका जो मैं कंपैरिजन कर रही हूं, वो लड़कों से ही कर रही हूं भाई, ठीक है? लड़के का लड़के से कंपैरिजन, एक ही ग्रुप में कंपैरिजन है या नहीं है? मुझे इस राम को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाहर निकालना पड़ेगा तो दूसरा बॉय नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, अदर बॉय। क्या हो जाएगा, अदर बॉय, ठीक है? इसका मैं एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये देखो मैंने क्या लिखा है, नो मैन, कोई भी आदमी नहीं दौड़ सकता, किसके अलावा, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट एक इंसान है या नहीं है, इंसान है। अगर इंसान है तो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो नो मैन नहीं होगा, क्या होगा भाई, नो अदर मैन। सेंटेंस क्या बनेगा जल्दी बताओ, नो अदर मैन। अगले सेंटेंस में आओ जल्दी से, ये क्या लिखा है, मैन, ये क्या लिखा है, टाइगर। क्या एक ही ग्रुप है या अलग अलग है, अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो जो लिखा है वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है? जिसके समझ नहीं आया, एक और सेंटेंस है, आप उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा मैं कराऊंगी डेफिनेटली, ठीक है? पहला सेंटेंस, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल, एनी मेटल, ठीक। सेकेंड, डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। जल्दी से दोनों सेंटेंसेस को सही करो, जल्दी से, जल्दी, बी फास्ट। नो अदर मैन, अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। एनी अदर बॉय, ठीक है। देखो अगर वो तुम्हें पिछली बात समझ में आ गई है तो इस अगली को निपटा दो जल्दी से। पिछली बात समझ में आ गई है तो इस अगली को निपटाओ भाई जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए हमारा, ज्यादा समय नहीं, जल्दी से निपटाओ। एनी अदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप पाटिल, प्राची गुप्ता, बहुत बढ़िया।
एनी अदर मेटल, भास्कर, बहुत बढ़िया, प्रदीप पाटिल। अच्छा तुमने रिप्लाई भेज दिया, सेकंड इज करेक्ट, प्राची। ओके ओके बहुत बढ़िया। नाउ एनी अदर मेटल, नवदीप जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, देन एनी अदर मेटल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आसान कॉन्सेप्ट है, राहुल कह रहे हैं एनी अदर मेटल, गुंजन एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल, स्नेहा बहुत बढ़िया, सुधीर सुमन एनी अदर मेटल, वेरी गुड वेरी गुड, विवेक राज एनी अदर मेटल की स्पेलिंग सही करो, ये सोनू यादव, METTLE गलत है तुम्हारी, एनी अदर, सेकंड में नो एरर, ध्यान बोर्ड पे। ये हैं सारी मेटल, इन सब में एक क्या है, गोल्ड है। एक्सक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, सेंटेंस क्या बनेगा, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। ये डायमंड और ये सारी क्या है, मेटल, क्या डायमंड मेटल है ना, जो लिखा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। जिसके समझ नहीं आया, ठीक है, जिसके अब भी खोपड़ी में थोड़ा सा ये बात नहीं गई है, उनके लिए एक और सेंटेंस यहाँ पे हाजिर है, आप उसे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सेंटेंस है, मिस्टर स्मिथ इज मोर रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल देन एनी एम्प्लॉय देन एनी एम्प्लॉय। जल्दी से सेंटेंस को सही करो। सेकेंड सेंटेंस, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन एनी एम्प्लॉय। जल्दी से इसे सही करो, जल्दी 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 सही करो। दो सेंटेंस हैं, एनी अदर एम्प्लॉय, गोल्ड डायमंड में से कौन सा मेटल है, विकास गोल्ड मेटल है, डायमंड एक कार्बन कंपाउंड है, गोल्ड बनता है, गोल्ड एक मेटल है, डायमंड बनता है कार्बन से, जब कोयले को बहुत किस पे, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे पकाते हैं, देसी भाषा में, तो वो क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए भी एक क्या है, एक तरह से मोटिवेशन का तरह काम कर सकता है। ये जो कोयला होता है वो काला होता है, ठीक है, जब उसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, मोटी भाषा में जब उसका टॉर्चर होता है, तो वो डायमंड बन जाता है। ठीक है, ये चीज आप पे भी लागू होती है बेटा, अगर आप भी अपने आप को तपाएं, ठीक है, अपने आप को पकाएं थोड़ा सा ऐसे माहौल में, तो आप भी कोयले से क्या बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। ठीक है, इजीली बन सकते हैं। चलो जल्दी से मुझे सेंटेंस का आंसर बताओ भाई, दोनों सेंटेंस का। ये है कोई कंपनी, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, इनमें से एक क्या है, मिस्टर स्मिथ है, अगर एक एम्प्लॉय मिस्टर स्मिथ है तो यहाँ पे एनी एम्प्लॉय नहीं होगा, क्या होगा, एनी अदर एम्प्लॉय, क्या होगा भाई, एनी अदर एम्प्लॉय। सेकंड सेंटेंस में आओ जल्दी से, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर कोई एम्प्लॉय है, जी नहीं, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो ये सेंटेंस डेफिनेटली क्या है, सही है। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है भाई, सही है। ठीक है, अच्छा राहुल जी मुझे चाय भेज रहे हैं, थैंक यू, मैंने अभी अभी चाय पी, 1 मिनट पहले, अभी अभी पी। यस, कोयला ही हीरा बन सकता है, गोल्ड और सिल्वर नहीं, बहुत बढ़िया भाई, डायमंड बन के दिखाएंगे। ओके बहुत बढ़िया भाई, आई लव योर स्पिरिट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एनी अदर एम्प्लॉय। ठीक है, देखो हो गया अब आंसर, तो मेरे समझाने के बाद आंसर मत दिया करो, मुझे गुस्सा आता है फिर उस बात पर, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, दोनों करेक्ट। ओके थे आपके, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नरसी जी के दोनों करेक्ट थे, अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगी, आप उसे फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी सेम कहानी है, थोड़ी सी कुछ अलग भी हो सकती है, उसे सोचना क्या हो रहा है। अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग टेस्ट करूंगी,
अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल दोनों सिनोनिम है। जल्दी से मुझे ये सेंटेंस सही करके दिखाओ दोनों। ओके, नरसी कह रहे हैं मैं आपका स्टूडेंट जो हूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आपके दोनों करेक्ट थे। यू आर द बेस्ट टीचर देन एनी अदर टीचर्स ऑफ मुखर्जी नगर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो जल्दी से मुझे सेंटेंस सही करके दिखाओ। डिसीजन में SCIS लगा सकते हैं क्या? क्यों नहीं लगा सकते, लगाओ भाई। डिसीजन काउंटेबल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, वो काउंटेबल बनाना चाहता है, वो अनकाउंटेबल बनाना चाहता है। गुड इवनिंग, आप लेट हो गए, आप लेट हो गए, मैंने आपको कल मैसेज किया था। सुधीर सुमन फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा ओके, प्रसन्नजीत हेलो हेलो, गुड इवनिंग हेलो, राम राम, नमस्ते सबको, सत श्री अकाल सबको। जल्दी से मुझे ये दोनों सेंटेंस सही करके दिखाओ। देखो अब किसी के आंसर नहीं आ रहे, अब किसी के आंसर नहीं आ रहे। दिस इज द वर्स्ट पार्ट, जब मैं समझा देती हूं तो तुम्हारे आंसर आते हैं, हैं? और जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो बिल्कुल हवा। बेटा सेंटेंस डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या करवाना चाह रहा है, वो डिसीजन को काउंटेबल बनवाना चाह रहा है या अनकाउंटेबल बनवाना चाह रहा है। ठीक है, सेंटेंस बताएगा। डिसीजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आई नो, ठीक है, बट तुमने मान लो दो डिसीजन लिए, एक डिसीजन लिया SSC की तैयारी करने का, एक डिसीजन लिया बैंकिंग की तैयारी करने का, तो कितने डिसीजन हो गए? दो। सो डिसीजन इज काउंटेबल हियर। एनी वन की जगह एनी अदर। अच्छा, अब ये धोखा है, आइडिया की स्पेलिंग गलत है। उत्सव फर्स्ट में मोस्ट आएगा, नरसी आंसर गलत है। एनीवन नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, क्या लगाऊं? अब यहां पे ना ट्विस्ट है, ट्विस्ट। देखो ट्विस्ट होने चाहिए, ठीक है, जिंदगी में भी हर चीज में ट्विस्ट होना बहुत जरूरी है, तो सब बोरिंग हो जाता है। ये तो तुम बोरिंग हो जाओ। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है, वही तो कह रही हूँ। सेंटर कुछ नहीं कह रही थी, समन की जगह अदर। समन, प्राची गुप्ता, बहुत बढ़िया भाई, प्राची गुप्ता, हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल, बहुत बढ़िया। पहला आंसर है जो सही आया, मोर की जगह वेरी होगा। राहुल आंसर गलत है। पहला आंसर है जो किसी बच्चे का सही आया है, दैट इज प्राची गुप्ता। बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम ही जानो तुम क्या कर रहे हो, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा तुम क्या कर रहे हो। प्राची गुप्ता तुम्हारा सेकंड सेंटेंस सही है और पहला गलत बता रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना जरा, ठीक है, अब तुम्हारे जो कमेंट्स हैं वो बंद हो जाएं। अब मैं समझाऊंगी, ठीक है, मैं बताऊंगी, उस चीज पे आपका ध्यान रहना चाहिए कि हाँ मैम क्या बता रही है, क्या पढ़ा रही है, क्या समझा रही है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे, पूरा का पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे, अब ध्यान देना है यहाँ पे। मैंने पहले सेंटेंस में शुरुआत की थी किससे भाई, मैन से, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, मेटल, ठीक है, कौन था, टाइगर, समझ आ रही है। उसके बाद कौन थे, मिस्टर स्मिथ। उसके बाद कौन था, एम्प्लॉय। जल्दी से बताओ ये जो वर्ड मैंने अभी लिखे हैं, ठीक है, थोड़े से मस्टर्ड कलर से, इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है?
इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये बताओ भाई। मैन है, मेटल है, टाइगर है, स्मिथ है, एम्प्लॉय है, ये सब के सब किसी प्राणी का नाम है। और अगर ये नाम है तो मोटी सी भाषा है, मोटी सी बात है कि ये क्या है, नाउन है। अगर नाउन में से एक्सक्लूड करना है तो भाई क्या लगाओ, अदर लगाओ। अगर नाउन में से एक्सक्लूड करना है तो क्या लगाओ, अदर लगाओ। बट मैं बात करूं एवरीवन की, ठीक है, मैं बात करूं समवन की, मैं बात करूं एनीवन की, ठीक है, मैं बात करूं नोवन की, ये कोई भी नाउन नहीं है। ऑल दीज वर्ड्स जो मैंने अभी सर्कल किए, ये क्या है बेटा, प्रनाउन है। जब भी आप प्रनाउन में एक्सक्लूड करोगे ना, एनी वन अदर नहीं हो पाएगा, नो वन अदर नहीं हो पाएगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एनी वन एल्स, नो वन एल्स, सम वन एल्स, एवरी वन एल्स। याद रखिएगा, जब एक नाउन में आप एक्सक्लूड करेंगे, जब आप एक नाउन में चीजों को निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, अदर लगाएंगे। बट अगर आप एक प्रनाउन में एक्सक्लूड करते हैं तो आप मजबूर हो जाएंगे क्या लगाने के लिए, एल्स लगाने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस को सही करो जल्दी से, फर्स्ट सेंटेंस अब तो सही हो जाना चाहिए। आंसर दो जल्दी से मुझे, जल्दी से। प्राची का आंसर आ गया, बाकी लोगों के आंसर आने चाहिए, जल्दी से आंसर दो। पहला सेंटेंस क्या होगा, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन एनी वन एल्स, ठीक, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन एनी वन एल्स। सेकेंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज मोर अकाउंटेबल देन समवन एल्स, ठीक। अगर कभी भी नाउन का एक्सक्लूड करो तो अदर लगाओ भाई, ठीक है। अगर नाउन को एक्सक्लूड करना है तो अदर लगाओ, अगर प्रनाउन को एक्सक्लूड करना है तो क्या लगाओ, एल्स लगाओ। समवन एल्स, नो वन एल्स, एवरीवन एल्स, एनीवन एल्स, ठीक है। एल्स लगाओ प्रनाउन के केस में, अदर लगाओ किसके केस में, नाउन के केस में। अगर बात समझ में आई है तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। अगर बात समझ में आई है तो ठीक है, ओके, आ गया समझ में। अब सबका आंसर आ रहा है, प्रियांशु का, गुंजन का, स्नेहा, ट्विंकू, सुधीर, प्रदीप। सिंगुलर की बात कहां से आ गई, सुधीर, सुमन। सिंगुलर प्यूरल तो मैंने कुछ लिया ही नहीं भाई, सिंगुलर प्यूरल मैं कहीं नहीं लेके आई, मैंने तो जिक्र ही ना किया सिंगुलर प्यूरल, प्राणा डिमकाना। चलो एक और सेंटेंस लिखती हूँ, आप सही करेंगे। थर्ड सेंटेंस दो हो गए हैं, ठीक है, साथ साथ आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, दीपक सिंह कह रहे हैं मेरा नाम भी ले दो। भाई इनका नाम है दीपक सिंह, दीपक सिंह। एनीवन एल्स की बेटा स्पेलिंग सही कर दो एक बार, ठीक है। और कोई सब रेलेवेंट कमेंट है, सबको समझ आ गया है, रिपीट करें। ओके, एक बार ये लिख दो फिर रिपीट करती हूँ। मंगज जी, तुम्हारा मैग्नेट ही नाम रख देती हूँ, मैग्नेट, वो सही रहेगा। जल्दी से सेंटेंस सही करो, 1 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी से सॉल्व करो भाई। फर्स्ट में नो अदर मैन, ट्विंकू कुमारी, अदर मैन, बहुत बढ़िया, नो अदर मैन। सेकंड में नो एरर, स्नेहा। थर्ड में बता दो जल्दी से। देखो मंगत बेटा, मैंने क्या समझाया, अगर एक ही तरह की चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो वो, और अगर वो एक ही तरह की चीजें नाउन हैं तो अदर का यूज करो। अगर वो एक ही तरह की चीजें प्रनाउन को लेके बैठी हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी वन, सम वन, नो वन, तो उस केस में अदर मत लगाओ, कोशिश करो वहां पे क्या लगाओ, एल्स, नो वन एल्स, एनी वन एल्स, सम वन एल्स, ठीक है।
चलो जल्दी से तीनों सेंटेंस सही करो। मैंने तीनों कैटेगरी दी हैं, पहले ही बता रही हूं, तीनों कैटेगरी हैं इन तीनों सेंटेंस में, ऑल थ्री कैटेगरीज। भास्कर नो वन एल्स, विवेक राज कह रहे हैं सेकंड में नो एरर, स्नेहा थर्ड में नो अदर। ए नहीं स्नेहा, गलत है तुम्हारा आंसर। उत्पल आनंद कौंडिल्य, बहुत बढ़िया नाम है आपका, उत्पल आनंद कौंडिल्य। ओके नो वन एल्स, ओके नो वन एल्स, नो अदर मैन सेकेंड करेक्ट है, थर्ड में होगा नो वन एल्स, नो वन एल्स। ओके ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर लोग। ठीक है अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सप्लेन करते हुए तुम्हारे कमेंट ना आए, ध्यान बोर्ड पे पहले सेंटेंस में आओ। क्या बैठा है? मैन। ये कौन बैठा है? यू। यू किसके लिए आता है? इंसान के लिए। ये भी कौन है? इंसान। क्या लगा दो? अदर। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो अदर। ठीक है जल्दी से आ जाओ सेकंड सेंटेंस में। ये क्या बैठा है? मशीन। ये क्या बैठा है? यू। एक ही ग्रुप है या अलग अलग है? अलग अलग है। जो बैठा है वो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक थर्ड सेंटेंस में आओ जल्दी से। ये क्या बैठा है? नो वन। ठीक ये क्या बैठा है? यू। दोनों क्या है? प्राणी है, बट ये जो नो वन बैठा है ये क्या है? प्रनाउन है। सेंटेंस क्या बनेगा जल्दी बोलो? नो वन एल्स। ठीक नो वन एल्स, गुंजन प्रिया नो वन की स्पेलिंग सही करो। सेंटेंस क्या बनेगा? नो वन एल्स कैन डू दिस ड्यूटी फास्टर देन यू। नो वन एल्स कैन डू दिस ड्यूटी फास्टर देन यू। ठीक है अगर इन तीनों सेंटेंसेस में कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात है जो क्लियर नहीं हुई है कि मैम ये बात पल्ले नहीं पड़ी, खोपड़े के ऊपर गई, जल्दी से बताओ। इन तीनों सेंटेंसेस में अगर क्लियर है तो बताओ, नहीं क्लियर है तो बताओ। ठीक है कमेंट में ऑफकोर्स कमेंट करके बताओ मुझे क्या है। फर्स्ट वाला रिपीट करें। ओके नवदीप सुनो ध्यान से। देखो ये क्या बैठा है? मैन। ये क्या बैठा है? यू। ठीक है यू भी तो मैन ही होता है ना, इसका मतलब एक ही ग्रुप में कंपैरिजन है। ठीक है और मैन एक क्या है? नाउन है। अगर नाउन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नो अदर मैन। यहाँ देखो क्या लिखा है? नो मशीन। ठीक है अगर यहाँ पे लिखा होता फोटोस्टेट मशीन तो मैं यहाँ पे क्या लगा देती? नो अदर मशीन। बट यहाँ पे कौन बैठा है? प्राणी। प्राणी अलग है, मशीन अलग है, तो जो बैठा है वो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है अगर अब भी डाउट है तो बताओ, थर्ड को रिपीट करें। ओके ये बताओ मुझे इस सेंटेंस में ये देखो क्या बैठा है? नो वन। ये क्या बैठा है? यू। दोनों प्राणी तो हैं, बट ये जो नो वन है ना, दिस इज नॉट अ नाउन, दिस इज अ प्रनाउन। अगर प्रनाउन है तो मैं अदर नहीं लगा पाऊंगी, क्या लगाना होगा? एल्स। सेंटेंस क्या बनेगा? नो वन एल्स कैन डू दिस ड्यूटी फास्टर देन यू। नो वन एल्स कैन डू दिस ड्यूटी फास्टर देन यू। ठीक है अगर कोई समस्या है, अगर कोई बात है जो क्लियर नहीं हो रही है तो बताओ जल्दी से मुझे। थर्ड को फिर से रिपीट करूं। नो वन, एनी वन, सम वन, अगर कभी भी ये दिख जाए तो वहां पे अदर नहीं लगाना है, क्या लगाना है? एल्स। ठीक है बिकॉज ये सब नाउन नहीं है, ये क्या है? प्रनाउन है। मशीन इज अ नाउन, मैन इज अ नाउन। ठीक है अगर अब भी समझ नहीं आई है बात तो मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक है उसे सही करने की कोशिश करना।
दो सेंटेंस है, जल्दी से निपटाइए। दो सेंटेंस है हमारे सामने। नन का यूज मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है, वो रेलेवेंट भी नहीं है, वो रेलेवेंट भी नहीं है बेटा। नन, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। जल्दी से मुझे इन दोनों सेंटेंसेस का आंसर बताइए, जल्दी। प्रदीप पाटिल, एनी अदर मशीन, भास्कर, एनी अदर, नवदीप, प्राची, स्नेहा, उत्पल, एनी अदर, एनी अदर, विकास, एनी अदर, सेकंड इज ओके, सेकंड एनी अदर, गुंजन प्रिया, सुधीर सुमन, फर्स्ट में एनी अदर मशीन, सेकंड में नो एरर, सेकंड इज करेक्ट, नवदीप कह रहे हैं, ट्विंकू कुमारी, सेकंड सही है, दीपक, नन के यूज के लिए बने रहो, ठीक है, बने रहो। नन जो होता है ना वो प्रनाउन होता है, बस इतना जान लो मुझे, और दो से ज्यादा के लिए आता है वो, अभी के लिए इतना जान लो। जो नीदर होता है वो दो के लिए आता है नेगेटिव सेंस में, अगर दो से ज्यादा के लिए नेगेटिव सेंस चाहिए तो नीदर मत लगाओ, वहां पे क्या लगा दो, नन लगा दो, ठीक है। नो वन इनडेफिनेट प्रनाउन है, नन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं अभी ज्ञान नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग है, टॉपिक अलग है, ठीक है बेटा। चलो भाई सेंटेंस सॉल्व करते हैं, अब किसी का कमेंट ना आए, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। पहले सेंटेंस में आओ, ये क्या बैठा है, मशीन, ये क्या बैठा है, मशीन, एक्सक्लूड कर दो भाई, क्या लगा दो, एनी अदर मशीन। यहां पे आओ, ये क्या बैठा है, मशीन, ये क्या बैठा है, ह्यूमन, एक्सक्लूड करें क्या, ना। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। जिस जिसका सही है बहुत अच्छी बात है, जिस जिसका सही नहीं है थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा समझो चीजों को कि क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझो चीजों को बेटा, थोड़ा सा देखो चीजों को कि हाँ मैम ये दिक्कत है वो दिक्कत है, थोड़ा सा उन्हें समझो, ठीक है। ओके नर्सी, आपके दोनों चेक करूं, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट का आंसर एनी अदर, हाँ सही है, सही है, सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब मैं आसान आसान सेंटेंस और लिखूंगी। पहला लिखा मैंने, ही इज बेटर देन हर, जल्दी आंसर बताइए मुझे। देखो ये जो एरर हम कर रहे हैं ना, पेपर में आते हैं, बस सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, ठीक है, अदरवाइज सेम बातें पूछी जाएंगी। इस सेंटेंस में एरर बताओ मुझे क्या है, चार वर्ड का, अच्छा पांच वर्ड का है, पांच वर्ड का सेंटेंस है, एरर बता दो जल्दी से, क्या एरर है इसमें, बी फास्ट। डायमंड की स्पेलिंग सही कर दो नरसी बामनी। ये होते हैं पूजा राणा मैम के स्टूडेंट्स, डायमंड स्टूडेंट। ओके थैंक यू वेरी मच। वैसे हाँ दिस इज वेरी करेक्ट, सिलेक्शन रेशियो इज मोर देन एवरेज माई क्लासेस, ठीक है, माई स्टूडेंट्स, एवरेज जो रेशियो रहता है, एवरेज जो परसेंटेज रहता है उससे ज्यादा रहता है मेरी क्लासेस का, ठीक है, बिकॉज वहां ना हम कोई फालतू की बात नहीं करते, पढ़ाई करते, पढ़ाई। चलो जल्दी से मुझे इस सेंटेंस का आंसर बताओ, शी, गुंजन का आंसर, प्रदीप पाटिल, शी, ओके शी, मैग्नेट जी का भी सही आंसर है, मैग्नेट तुम बुरा तो नहीं मान रहे ये बता देना, मंगत, उत्पल का भी सही आंसर है, बहुत बढ़िया। देखो छोटी सी बात है, अगर एक गधे का कंपैरिजन करना है तो किससे करेंगे, गधे से या घोड़े से, ऑफ कोर्स गधे से करेंगे ना भाई, लॉजिकल रहो। अगर गधे का कंपैरिजन करना है तो गधे से, घोड़े का करना है तो घोड़े से, इंसान का करना है तो इंसान से, तुम्हारा किससे करूं पता नहीं, ठीक है। अब जल्दी से आओ इस सेंटेंस में, ये जो ही है ये कौन सा केस है भाई, सब्जेक्टिव, और ये जो हर है ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, या तो भाई दोनों क्या हो, सब्जेक्टिव हो, या फिर दोनों क्या हो, ऑब्जेक्टिव हो। अब दोनों को ऑब्जेक्टिव मैं बना नहीं सकती, हाँ दोनों को क्या बना सकती हूँ, सब्जेक्टिव। आंसर क्या हो जाएगा, ही इज बेटर देन शी, ही इज बेटर देन शी। एस्टेट में तुम्हारे 15 में से 15 आए, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, सीरियसली आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ही हैं जिनकी वजह से बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। बटर की स्पेलिंग सही करो दीपक, BETER, AR नहीं होता, ठीक है, बटर बना दो तुमने इसे, बेटर।
थैंक यू नरसी, थैंक यू। आप ऐसे ही पढ़ते रहो, बाकी बच्चे भी ठीक है। जैसे अभी ये मुझे बता रहे हैं कि इनका पेपर में 15 में से 15 आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही बाकी बच्चे भी ठीक है। मुझे प्राउड फील कराओ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, हमारा इस ये पेपर क्लियर हो गया, आपके बताए हुए क्वेश्चन आते हैं, यू के यू क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है, तो आप भी यही काम करो। अच्छा, गधे वाला कंपैरिजन समझ जल्दी आ गया। चले भाई आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है ना तुम्हें क्या समझ में आता है। एक सेंटेंस लिखूंगी, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। शिमला जानते होंगे आप, घूमने वूमने भी जाते होंगे। ठंडा है, किससे? दिल्ली से। आजकल तो दिल्ली में गर्मी हो रही है, 2 दिन हो गए, ठंड वंड नहीं पड़ रही। अच्छा, मेरे डर से आए हैं, हे राम। देखो सोचो, मेरे डर से तुम्हारी जॉब लग जाएगी, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर ऐसा है तो डर का होना जरूरी है, और डरना अच्छा है फिर तो भाई। सेकेंड सेंटेंस सॉल्व करो इसे। दो सेंटेंस है, जल्दी से इन्हें सॉल्व करो जल्दी। हाँ इजी है, इजी है, बिल्कुल इजी है। मैं कहाँ कह रही हूं टफ है, इजी है भाई दोनों। देन दैट ऑफ दिल्ली, पहले सेंटेंस में मुबारक हो, गलत है आपका आंसर। थैंक यू नर्सी, सेंटेंस सॉल्व करके दिखाओ अब मुझे। भास्कर, दैट ऑफ, दैट ऑफ, दैट ऑफ। जी मेरी क्लास दिल्ली में है, ठीक है, अभी स्टूडियो में है, अभी हम स्टूडियो में पढ़ रहे हैं। वैसे मुखर्जी नगर में मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। ओके, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। फर्स्ट राइट है, सेकंड में दैट ऑफ। मैं जो जानना चाहती हूँ ना, जो मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअल में, वो आंसर किसी ने नहीं दिया अभी तक। फर्स्ट में नो एरर, सेकंड में आंसर बताओ। सुधीर, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड में दैट ऑफ दिल्ली। प्राची, करेक्ट, फर्स्ट नो एरर। फर्स्ट तो बच्चों वाला सेंटेंस है, दिल्ली है, शिमला है, दोनों क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन का कंपैरिजन, नाउन से बात बिल्कुल क्या है, सही है, सोफिस्टिकेटेड है, करेक्ट है। सेकंड में की अपेक्षा ठंडा है, हिंदी आ गई। सीमा चौधरी, यस, दिस इज द स्टेटमेंट दैट आई वांट। सेकंड में क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। सुधीर सुमन, मैम आई एम फ्रॉम भोपाल। ओके, आप भोपाल से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड भाई, इतने दूर दूर से बच्चे पढ़ रहे हैं। भोपाल में मौसम कैसा है, ठंड है? नहीं है, दिल्ली में तो नहीं है आज, दिल्ली में तो इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब होगा आराम से 14-15 टेम्परेचर होगा। प्राची गुप्ता, ये सही स्टेटमेंट है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ, सॉल्व करके दिखाओ मुझे। सॉल्व करते रहो तुम बस, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन K2। माउंट एवरेस्ट आपका किस में पड़ता है, नेपाल की तरफ है, थोड़ा सा तिब्बत की तरफ है। K2 POK है, ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो थोड़ा सा कैसा एरिया है जिसपे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, K2 उस एरिया में पड़ता है, ठीक है। ओके प्राची, आप छत्तीसगढ़ से हैं, ओके, छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा है बताओ मुझे जल्दी से। छत्तीसगढ़ से पढ़ रही है बच्ची, बहुत बढ़िया भाई, तुमने बताया नहीं है वहां का मौसम। अच्छा ठंड नहीं है, ठंड ही नहीं है, चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस एक और लिख रही हूं मैं। द हाइट ऑफ
माउंट एवरेस्ट इज मोर देन के टू। दो सेंटेंस और है, जल्दी से। अच्छा ठंड है प्राची वहां पे, ओके चलो अभी दो सेंटेंस है और लिखे हैं मैंने, जल्दी से इन्हें सही करो। कुछ दिन पहले बारिश बहुत हुई है, ओके छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश है, बिहार में बहुत ठंड है, बहुत है। ओके आप उत्तराखंड से हैं दीपक सिंह, तो उत्तराखंड में तो बिल्कुल ठंड होगी, बिल्कुल होगी उत्तराखंड में तो। उत्तराखंड अल्मोड़ा, बहुत बढ़िया भाई, उत्तराखंड इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। अच्छा दिल्ली से कम है, ओके दिल्ली में ठंड नहीं है आजकल, पिछले 2 दिन से काफी तेज धूप निकल रही है, काफी तेज। अगर आपका पीसीएस का पेपर है 9 फरवरी को, तो तैयारी करो भाई, ठीक है लगे रहो उसमें, तैयारी करो उस पेपर की। चलो जल्दी से मुझे इन दोनों सेंटेंसेस का आंसर बताओ। चलिए भाई शुरू करते हैं। ओके चलिए, ठंड की बातें हो गई, अब एक बार इन्हें सेंटेंस को। भास्कर आप वेस्ट बंगाल, ये मैं जानती हूँ तुम्हारा भास्कर दे, तुमने पहले बताया था कि मैम कभी आप कोलकाता आइए, आपने ऐसा कुछ बोला था। और एक बच्चा तो मुझे मुंबई बुला रहा था, अगर इनको दिल्ली में मैं अच्छी नहीं लग रही, मुंबई आ जाओ, वेस्ट बंगाल आ जाओ, ना तो मुझे मुंबई की मराठी आती है, ना वेस्ट बंगाल की बंगाली आती है। और उधर ममता दीदी से झगड़ा हो गया तो। चलिए भाई जल्दी से इन सेंटेंसेस को सही करते हैं, नरसी का आंसर सही है, हाइट ऑफ। चलो समझो भाई ध्यान से, कंपैरिजन बराबर की चीजों में होता है, ठीक है कंपैरिजन बराबर की चीजों में होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आज के बाद आपका कोई किसी इंसान से कंपैरिजन करे, तो समझ जाइएगा कि या तो चीजें बराबर की हो, ठीक है, और अगर आपको वो कंपैरिजन अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो इंसान आपके बराबर में नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से आओ इन सेंटेंसेस में, पहले सेंटेंस में आओ, ध्यान से समझना किस किस का कंपैरिजन है पहले सेंटेंस में। ये कौन बैठा है, शिमला, ये कौन बैठा है, दिल्ली, दोनों जगह है भाई, शिमला का कंपैरिजन दिल्ली से, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। ओके ये पूछ रहे हैं मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे पंजाबी आती है, मुझे हरियाणवी आती है, ठीक है ये सब मुझे आता है, बिहार पुलिस में ऑफ कोर्स ये यूजफुल होगा। हाँ नरसी अब तुम मुझे राजस्थान बुला लो। चलिए भैया जल्दी से आ जाओ सेकंड सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस ध्यान बोर्ड पे, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। क्लाइमेट का कंपैरिजन है किससे, दिल्ली से। भाई अगर क्लाइमेट का करना है तो क्लाइमेट से करो ना, यहाँ पे दिल्ली क्या है, इररिलेवेंट है। हमारा सही सेंटेंस क्या होगा जल्दी बताओ, देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक है सही सेंटेंस बताओ क्या बनेगा, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। हाँ बेटा ममता दीदी, ठीक है याद रखा करो। चलो जल्दी से आ जाओ हमारे थर्ड सेंटेंस में, माउंट एवरेस्ट का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, केटू से, वो भी पर्वत, वो भी पर्वत, ठीक है पर्वत का कंपैरिजन पर्वत से, जो सेंटेंस है वो लॉजिकली बिल्कुल क्या है, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस में, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मोर देन के टू, किसका कंपैरिजन है, हाइट का, सही सेंटेंस क्या बनेगा जल्दी बताओ, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मोर देन द हाइट ऑफ के टू, मोर देन द हाइट ऑफ के टू। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है समझते जाना बस, आपके दूसरे सेंटेंस में बार बार कौन आ रहा है भाई, क्लाइमेट, आपके फोर्थ सेंटेंस में बार बार कौन आ रहा है, हाइट। जब भी एक बार बार एक नाउन का रिपीटिशन होने लग जाए, तो समझ जाइएगा कि वहां पे अब किसकी जरूरत है भाई, प्रनाउन की, तभी तो आपके सेकंड सेंटेंस में क्लाइमेट ऑफ की जगह क्या लगा सकते हैं, दैट ऑफ, और लास्ट सेंटेंस में भी हम क्या लगा सकते हैं भाई, जल्दी बोलो, दैट ऑफ, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस क्या बन सकता है जल्दी बताइए भाई, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली,
ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस में क्या बन सकता है, जल्दी बताओ। फोर्थ सेंटेंस किसका था हमारा, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मोर देन दैट ऑफ K2, ठीक है। दैट ऑफ क्यों आया, इस बात को समझो, ठीक है। ये जो बात है ये टू बी कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी हम एरर डिटेक्शन करेंगे और उसमें हम अपनी शुरुआत करेंगे किससे, कंपैरिजन से। पढ़ते रहो भाई आराम से, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे कमेंट भी देख लूं। यहां कोचिंग नहीं है उत्तराखंड में, ओके। देन दैट ऑफ दिल्ली, हाँ बिल्कुल आ सकता है, किसने मना किया, बिल्कुल आ सकता है। हाइट ऑफ K2, बहुत बढ़िया। कैंपस ड्राइव के लिए दिस कैन बी बेनिफिशियल, डिपेंड्स ऑन योर कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम। ममता दीदी कुछ नहीं बोलेंगी, जय श्री राम बोलेंगी तो जेल जाना पक्का है। देखो भाई, हम तो जय श्री राम बोलेंगे, ठीक है, जय श्री राम बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे होगी हमारी, एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस, विद द सेम टीचर्स एंड विद द सेम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये मेरा स्टेटमेंट भी बोल गए, आज के लिए राम राम नमस्ते। ओके दीपक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल से ना मैं, नेक्स्ट क्लास से ना मैं हरियाणवी बोला करूँ, तुम डर जाओगे बेटा, ठीक है। पहले ही मैं इतनी खूंखार हूँ, ऊपर से हरियाणवी बोलने लग गई तो हो गया काम। चलो भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए राम राम नमस्ते। और ममता दीदी का कमेंट अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगता रहे, आई डोंट केयर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, राम राम नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।